बनारस से इंदौर के बीच में ना काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, जैसे शिप्रा एक्सप्रेस हो गई इंदौर पटना एक्सप्रेस, उन सभी में ना काशी महाकाल एक्सप्रेस सबसे बेस्ट ट्रेन है। एक तो ये ट्राई वीकली ट्रेन है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, ख्याल से इन फ्यूचर शायद इसकी फ्रीक्वेंसी डेली कर दी जाए। इंदौर या उज्जैन से बनारस आने के लिए ना सबसे बेस्ट ट्रेन है काशी महाकाल एक्सप्रेस। एक तो इसके हॉल्ट्स कम है, दूसरा इसका रूट भी थोड़ा शॉर्ट है। और उस काशी महाकाल एक्सप्रेस की ना मैं आपको टेक्निकल जानकारी दे देता हूँ, जैसे कोच कॉम्पोजिशन, इसके टिकट्स के फेयर वगैरह और इसकी टिकट अवेलेबिलिटी कैसी रहती है। तो ट्रेन में देखिए 4 AC 3 टायर इकोनॉमी के कोच लगते हैं, 5 AC 3 टायर के कोच लगते हैं, 4 स्लीपर क्लास के कोचेस लगते हैं, 1 इसमें सेकंड AC लगता है। ट्रेन में करंटली इस वक्त फर्स्ट AC और जनरल क्लास की फैसिलिटीज नहीं है। AC 2 टायर का फेयर आपको पड़ेगा इंदौर से या उज्जैन से, मान सकते हैं दोनों के बीच में ज़्यादा फेयर का डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इंदौर से मैं आपको पूरा वाराणसी तक का फेयर बता रहा हूँ, AC 2 टायर का फेयर आपको पड़ेगा इंदौर से वाराणसी तक का तकरीबन 2000 रुपीज़ के करीब। यही फेयर इसके 3rd AC में पड़ेगा तकरीबन आपको 1500 रुपीज़ के करीब, और AC 3 टायर इकोनॉमी इसमें तकरीबन आपको 1400 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली पे करना होगा। सुपर क्लास में यही फेयर आपको तकरीबन 550 रुपीज़ के करीब पे करना होगा और आपको तीनों में तत्काल की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस का ना स्लीपर क्लास में टिकट लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यार देखिए इसके हॉल्ट्स कम है और स्लीपर की डिमांड तो हमेशा किसी भी रूट पर सबसे ज़्यादा रहती है। आपको ना इसके सबसे ज़्यादा अगर किसी में टिकट ईजिली अवेलेबल मिलेगा ना तो वो इसके AC 3 टायर इकोनॉमी में मिलेगा, क्योंकि जब मैंने इसमें बुक किया था ना तो मैं पहले 3rd AC का लेने जा रहा था, तो 3rd AC में अराउंड 28 वेटिंग थी और वही इसके 3rd AC इकोनॉमी में RAC थी। 2nd AC में तो इसका टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ एक कोच लगता है और उस कोच में भाई इतने सारे रूट कवर करने होते हैं, और भाई इतना तो हमारे देश में लोग अमीर है कि यार AC 2 टायर का एक कोच तो फुल कर ही दें। सो यहाँ शाम का टाइम है तो मैंने कॉफी परचेज कर ली है, ले आओगे? ये है कैफे टिका कैपेचिनो, अभी ले आओ। थोड़ा सा हार्ड कर दीजिएगा। शाम का वक्त है और भाई एकदम कंटाल सा आ रहा था, तो मैंने एक कॉफ़ी परचेज़ कर ली जो कि प्रीमिक्स कॉफ़ी है। यानी प्रीमिक्स मतलब इसमें क्या होता है, हॉट वाटर होता है और उस पर एक किट आती है जिसके अंदर से आप डायरेक्ट डाल के इसको शेक कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। और पर्सनली ना इसका टेस्ट मुझे सबसे बेटर लगता है। वैसे देखिए जो आग पे पकती है उसका तो मज़ा ही अलग होता है, देखिए हर जगह आपको आग पे पकी हुई कॉफ़ी या चाय तो नहीं मिल सकती है, तो उसके अलावा ना मेरे को ये प्रीमिक्स टी अच्छी लगती है। वरना भाई जो कॉफ़ी और टी मिलता है ना तो भाई उससे तो लाख गुना अच्छा है कि आप प्रीमिक्स टी या कॉफ़ी पी लें। और इसका कॉस्ट में 30 रुपीज़ पड़ा है। झांसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले हमारी ट्रेन को ना एक लूप लाइन पे लगा दिया गया है, हमें रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी। रानी कमलापति न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया था, और एक टाइम पर ना ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं ना यार हर एक चीज़ का ना एक एक्सपायरी डेट होता है, तो कभी ये इस रूट की मतलब कभी ये इंडियन रेलवे की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी, लेकिन आज इससे भी फास्टेस्ट ट्रेनें हैं। रानी कमलापति न्यू दिल्ली की खासियत अभी एक और ये है ना कि ये इंडिया की इकलौती ऐसी शताब्दी ट्रेन है जो कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है।
झांसी को ना द गेटवे ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ना कई सारे रीजन है, जैसे बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, अवध रीजन हो गया, ऐसे ना कई सारे रीजन है जिसमें से एक है बुंदेलखंड, जो कि कवर करता है उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स को और मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स को। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन की अराइवल टाइमिंग थी शाम को 6 बजे शार्प। वहाँ पे काशी महाकाल एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, लेकिन अपने निर्धारित समय से पूरे 1 घंटे 10 मिनट की देरी से हम यहाँ पे आए हैं इस पार्ट टू की जर्नी, और इस पूरे जर्नी के दौरान ये हमारा सबसे पहला हॉल्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो पार्ट वन में बेसिकली हमने सारे मध्य प्रदेश के स्टॉप्स कवर किए थे, और पार्ट टू में हम सारे उत्तर प्रदेश के स्टॉप्स को कवर करेंगे, जिसमें आएगा झांसी रेलवे स्टेशन, उसके बाद कानपुर, देन लखनऊ, उसके बाद ट्रेन रुकती है सुल्तानपुर, और उसके बाद सीधा ट्रेन जाकर रुकती है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यार बचपन से हमने एक कहावत बहुत अच्छे से सुनी है, वो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, ये शहर रानी लक्ष्मीबाई जी का है। लक्ष्मीबाई जी मात्र 29 साल की उम्र में हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने ना अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और शहीद हो गई थी। और यार उनके बारे में क्या ही कहना, मतलब यार ये शहर ही पूरा प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। और यार उस टाइम पे ना भाई मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यार देखिए एक टाइम था ना हमारी जो सोसाइटी थी वो पूरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, लेकिन हमारे जो कल्चर था वो हमेशा से औरतों को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन बीच में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था ना कि औरतों को थोड़ा दबा के रखा जाने लगा था, या ऐसा कुछ होने लगा था, क्योंकि आप मुगल में आप जानते हैं या कहें इस्लाम में ऐसे जाते हैं उसमें औरतों को हमेशा से दबा के रखा गया है। ऐसे कोई मुझे ज़्यादा किस्से इतने याद नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से ना इंडियन कल्चर भी ऐसा शो किया गया था कि हम औरतों को दबा के रखते थे या ऐसा कुछ होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सावित्री बाई फुले हो, ऐसे अनगिनत तमाम किस्से हैं जिसमें हमने हमेशा औरतों को बराबर का दर्जा दिया है, और उन्होंने मर्दों से काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन आज के डेट में यार ये फेमिनिज्म के नाम पे कुछ अलग ही चीज़ हो रहा है, मतलब आप औरतों के हक़ के बारे में बोल के ना जिनको असली में वो हक मिलना चाहिए वो शायद मिल नहीं रहा, और जिनको मिल रहा है ये प्रिविलेज है वो उसका ओवर यूज़ कर रही है। इन सब बातों में क्या ही रखा है, ये शहर रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए प्रसिद्ध है, इसे द सिटी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं और द गेटवे ऑफ बुंदेलखंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे का रीजन जो है वो थोड़ा बुंदेलखंड का पार्ट है। झांसी ना वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का, और ये उन चुनिंदा ऐसे रेलवे स्टेशन में आता है भारतीय रेलवे के जिससे ना कोई भी ट्रेन स्किप या बाईपास नहीं करती है। यहाँ पे जितनी भी ट्रेनें आती है ना सब तकरीबन 5 से लेकर 10 मिनट का हॉल्ट लेती है, और तो और यहाँ से एक लाइन से जाती है दिल्ली की तरफ, एक लाइन से जाती है हम जिससे आए हैं आती है भोपाल की तरफ से। यहाँ से अब हम आगे बढ़ जाएंगे कानपुर सेंट्रल की ओर, और तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर होने वाला है यहाँ से कानपुर का, जिसमें हमें ट्रेन कोई भी हॉल्ट नहीं लेने वाली है। झांसी रेलवे स्टेशन में ना टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, तकरीबन 245 ट्रेन से यहाँ पे आगे हॉल्ट देती है, कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हुआ करता था झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, 3 साल हुए हैं इसका नाम बदल के कर दिया गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। झांसी जंक्शन से टोटल 4 अलग अलग डायरेक्शन के लिए ट्रेन चल जाती है, एक लाइन आगे चल जाती है ग्वालियर होते हुए दिल्ली की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है और आई होते हुए कानपुर सेंट्रल की ओर जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं, एक लाइन यहाँ से चल जाती है बांदा महोबा होते हुए मानिकपुर की तरफ, और उसे लेते हैं उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें, और एक लाइन जिसके ऊपर से हम आ रहे यानी आती है ललितपुर के रास्ते होते हुए भोपाल की तरफ। तो आपने देखा ही था कि हमारा दोपहर का लंच कितना ही बकवास आया था, तो उसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट करी थी, और फिर आए हमारे सामने जो पेंट्री के मैनेजर थे वो आए, तो मैंने उनसे अपनी कंप्लेंट वगैरह करी और उसकी उनकी जो कंप्लेंट थी उसे भी हटाया वापस उनके रिक्वेस्ट करने पे। तो मैंने उनसे कह दिया था कि भाई देखिए मुझे शाम को डिनर अच्छा चाहिए, और अभी जो डिनर है ना वो क्वांटिटी के हिसाब से तो ठीक है, देखिए 4 रोटी दी गई है, अच्छी खासी पनीर दी गई है, सब्जी दी गई है, चावल मैं रात को खाता नहीं क्या नींद आने लगती है, और फिर मैं स्टॉप्स वगैरह कवर नहीं कर पाता, साथ में एक अमूल का बटर दिया गया है, 4 रोटियाँ, साथ में है ये पनीर की सब्जी, और इधर आलू की सब्जी, और देखिए इधर बटर दिया गया है और एक अचार दिया गया है। यहाँ पर रोटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी घी लगा दिया है, तो आप फटाफट पहले पनीर की सब्जी टेस्ट करते हैं। पनीर के साथ साथ इसमें छोले भी ऐड किए गए हैं, मतलब पनीर छोले की सब्जी है वो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली हमारे लिए बनाई गई है, क्योंकि इसके ना पनीर और छोले दोनों को मिक्स है। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल
कानपुर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। तो हमारी ट्रेन ना कानपुर के आउटर में तकरीबन 10 बजे ही आ गई थी, लेकिन क्योंकि अब ये बिफोर टाइम आ गई थी तो ना कानपुर रेलवे स्टेशन तो वैसे ही इतना बिजिएस्ट रहता है, तो प्लेटफॉर्म ना होने के कारणवश ना इसको आउटर पर ही रोका गया। और एक चीज़ तो है यार कि इसको ना यार वीरांगना लक्ष्मी बाई से लेके कानपुर के बीच में कितना ज़्यादा स्लैक दिया गया है, क्योंकि ट्रेन हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से निकली थी वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन से, और उसके बाद भी ये ट्रेन ना कानपुर के आउटर में तकरीबन 1 घंटा बिफोर आ गई थी। तो आप ये सोच सकते हैं यार कि तकरीबन 200 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को 5 घंटे का समय दिया गया है। तो ये ट्रेन ना इस सेक्शन में इजिली स्पीड अप हो सकती है, या शायद ये सोच के रखा गया हो कि अगर इनकेस कभी ट्रेन डिले रहे जैसे आज रही है, जो डिले है उसे कवर कर ले, बट मोस्टली ये ट्रेन टाइम पर ही रहती है। तो सेंट्रल ना वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का, साथ ही साथ ये अलॉन्ग साइड मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मंगलुरु सेंट्रल के अलावा ये 5वां सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का। यार कानपुर से यूं तो मैंने आपको कितनी सारी ट्रेन जर्नीज दिखाई है, यहाँ से कितनी सारी डेडिकेटेड ट्रेन जर्नीज भी दिखाई है दिल्ली के लिए, जैसे हो गए श्रम शक्ति एक्सप्रेस, कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। एक ट्रेन यहाँ से चलती है कानपुर आनंद विहार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसका रूट काफ़ी अलग है। तो यहाँ बस 2 मिनट का हॉल्ट करने के बाद ना देखिए हमारे ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया है। तो अब चलते हैं सीधा अपने कोच के अंदर। अपने निर्धारित समय रात्रि के 12:30 से 2 घंटे 5 मिनट की देरी से हमारा अराइवल हो चुका है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है। लखनऊ में 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक चारबाग रेलवे स्टेशन, दूसरा है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन को बड़ी राय रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, और जो लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो ठीक इसके बाहर है, उसे छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले वहाँ से मीटर गेज ट्रेनें ऑपरेट हुआ करती थी और यहाँ से ब्रॉड गेज ट्रेनें, लेकिन बाद में गेज कॉन्फ़िगरेशन के बाद से दोनों तरफ से अब ब्रॉड गेज ट्रेनें ऑपरेट होती है। वैसे तो लखनऊ से बनारस के बीच में ना काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस में भी ठीक ठाक बोर्डिंग होने वाली है। यहाँ से स्लीपर क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, मतलब हर कोच में यहाँ पे अच्छे खासे तादाद में पैसेंजर उतरे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स बोर्ड भी कर रहे हैं। वैसे अगर अपने एक्चुअल टाइमिंग पे रहती है तो रात्रि के 12:30 ये ट्रेन लखनऊ चारबाग पे आती है, सुबह 5 बजे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। तो मतलब ओवरनाइट जर्नी के लिए काफ़ी परफेक्ट है ये ट्रेन, और देख सकते हैं अच्छे खासे लोग यहाँ पे बोर्ड हो रहे हैं।
अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है, तो स्टेशन पे आपको हर तरह की सहूलियत मिलेगी जिससे आपका सफर एकदम आरामदायक हो सके। स्टेशन पे आपको डोर मैट्री और रिटायरिंग रूम की भी फैसिलिटीज मिल जाएगी। अगर उसे आपको बुक करना है तो आपको सीधे इस काउंटर पे आना है। चार्जेस वगैरह आप टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं IRCTC के थ्रू। 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा प्रस्थान हो चुका है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। करंटली इस वक्त टाइमिंग हो है 2:47 AM। सो ये चीज़ तो फिक्स है कि हम वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन अब टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ से तकरीबन हमें 4 घंटे का समय और लगेगा शायद अगर ट्रेन अच्छा रन दे। देखिए ये है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिसके ऊपर हमारी ट्रेन लगी थी, और यहाँ देखिए सामने न्यूली मेड 8 और 9 प्लेटफॉर्म। ये मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन के लिए। प्रातःकाल 4:30 बज रहे हैं, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गोमती नदी के किनारे बसे हुए सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ 2:26 काशी महाकाल एक्सप्रेस की यहाँ पहुंचने की टाइमिंग है। यहाँ पे यह ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। सुल्तानपुर का स्टेशन कोड है SLN। ऑलमोस्ट 71 ट्रेन आके यहाँ पे हॉल्ट लेती है। कई सारी यहाँ से ट्रेनें भी ओरिजिनेट होती है, जैसे सुल्तानपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुल्तानपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुल्तानपुर आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस। बात की जाए सुल्तानपुर को जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो यहाँ से एक लाइन आगे चल जाती है अयोध्या कैंट की तरफ। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अभी देख सकते हैं सुबह सुबह का वक्त है तो स्टेशन एकदम शांत हो रखा है। 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन का यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। 20414 काशी महाकाल एक्सप्रेस की इस जर्नी में न ये हमारा पेनल्टीमेट हॉल्ट होने वाला है। यहाँ से ट्रेन सीधा जाके अब रुकेगी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ना अभी कुछ ही दिन पहले ये देखिए गुड्स लोकोमोटिव ड्रिल हुआ था और उसके रिमेन्स आज भी यहाँ पे मौजूद हैं।